हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको एग्जांपल सॉल्व कराएंगे, देन आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियोस में आपको बताया था कि अगर आपको एंगल दिया होता है और आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आपको रेडियन में दिया है और आप उसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें एग्जांपल नंबर वन क्या लिखा है। 40 डिग्री 20 मिनट आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे रेडियन में, तो सबसे पहले आप क्या करते थे, 40 डिग्री प्लस 20 अपॉन 60। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से डिवाइड करने हैं, फिर 40 डिग्री प्लस 1/3, ठीक है जी। आपने इसको एलसीएम लेने हैं, आपका एलसीएम हो गया 3, आपने मल्टीप्लाई किया 120 प्लस 1, 121 अपॉन 3, यह आपका हो गया डिग्री। अब इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 180 अपॉन नहीं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई 121 पाई 504 रेडियन, ये आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है जी। सेकंड देखें, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट। अगला आपको क्वेश्चन दिया है 6 डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है जी, 6 रेडियन है ना। तो आप क्या करते थे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई कर देते थे, फिर पाई की वैल्यू आप रखते थे 180 अपॉन 22 अपॉन 7, 7 आपका ऊपर चला जाता है, देन आपने 2 से किया 11, 2 से किया 90, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू इतना अपॉन 11, ओके। देन आप 6 से 6 जीरो जा 0, 37 80 अपॉन 11 आ गया, ठीक है। अभी अब इसको आप डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप 11 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। 37 80 11 3 जा 33 4 8 0 11 4 जा 44, देन आपने 4 लिया 0 है ना। अब 11 3 जा 33 7, अब देख रहे हैं इतना आपका डिवाइड हो गया, 7 आपका रिमाइंडर आ जा रहा है, तो हम इसे डिग्री लिखते हैं और इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर 11 3 जा 33, 12 में से 3 गया 9 90, देन 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड नहीं हो रहा तो ये हो गया मिनट, अब आपके पास रिमाइंडर 2 है तो 2 को फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 हो गया, देन फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता ना 11 11 जा 121 होता है अप्रॉक्स, 120 है तो 121 चलेगा, तो इसको लगभग आप 11 टाइम ले जाएंगे सेकेंड, मीन्स 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड, ओके। एग्जांपल थर्ड आप देखते हैं, बच्चों एग्जांपल थर्ड है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्किल। एंगल दिया है 60 डिग्री
और लेंथ क्या दिया है, लेंथ हाफ आर 37.4। देखिए बच्चों, लेंथ हाफ आर कैलकुलेट हो 37.4 आपको दे रखा है। आपको रेडियस निकालना है और एंगल आपको 60 डिग्री दिया है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने आप लोगों को बोला था कि कभी भी एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन होता है, सो फर्स्ट आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं जी, पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जा रहा है पाई बाई 3, ठीक है ना। देन आपको मैंने फार्मूला लिखाया था, एल इजकल टू आर थीटा, एल इजकल टू आर थीटा, आपको आर निकालना है, तो आर इजकल टू एल अपॉन थीटा हो जाता है। एल की वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 37.4, और थीटा की वैल्यू आपकी है पाई बाई 3, ओके। अदरवाइज आर इजकल टू 37.4 3 ऊपर चला जा रहा है अपॉन पाई, पाई का मीन्स क्या हुआ 22 अपॉन 7, आपने 7 ऊपर कर देने हैं, ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हैं, इसे 2 से करेंगे तो आपका ये 11 हो जा रहा है, और 2 1 जा 2 2 8 जा 2 7 जा, मीन्स आर इजकल टू आपका आया 18.7 × 37 = 21 अपॉन 11। समझ रहे जी, यानी आप इसको पहले क्या करने हैं, 18.7 को 21 से मल्टीप्लाई करने हैं और देन 11 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पर आपका आ रहा है 35.7, इट इज़ रेडियस ऑफ सर्किल, ओके। नेक्स्ट देखें बेटे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार ट्रिप इट मूव इन 40 मिनट। आप देखें, आपने मिनट हैंड देखा है वॉच में, तो मिनट हैंड एक पूरा राउंड सर्कल का मारने में कितना समय लेता है जी, 360 मिनट, ठीक है ना, सॉरी 60 मिनट। मिनट हैंड वन राउंड कितने देर में मारता है, 60 मिनट में। आप वॉच को देखेंगे ना, तो जो वॉच होता है उस पर मिनट हैंड होता है, एक राउंड मारता है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का, मीन्स 60 मिनट में बनता है एंगल 360 का, तो वन मिनट में जो आपका एंगल बनेगा 360 अपॉन 60, मीन्स 6 डिग्री। यू हैव टू लर्न, आपको याद रखना है कि वन मिनट में कितने डिग्री होता है, 6 डिग्री। कैसे आया ये हमने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, 1 मिनट = 6 डिग्री, ओके। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कह रहा है ए मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप घड़ी को आप देखें ना, तो उसमें जो मिनट हैंड होता है वो रेडियस का काम करता है, तो आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1.5, ठीक है। और थीटा कितने मिनट चल रहा है, 40 मिनट, एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है, 6, तो 40 मिनट में कितना होगा जी, 40 × 6 यानी 240 डिग्री हुआ। बट मैंने जैसे कि आपको बोला है कि डिग्री को हमेशा रेडियन में ही लेना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको कट किया, ये किया 12, 3 3 जा 3 4 जा, मीन्स 4π/3, यानी आपको आर भी मालूम हो गया और आपको थीटा भी मालूम हो गया। अब फार्मूला क्या होता है जी, एल इजकल टू आर थीटा, एल इजकल टू आर की वैल्यू कितना है जी, 1.5, और थीटा की वैल्यू है 4π/3, 3 5 जा 15 5 4 जा 20, 2π आपका आंसर आ गया। अदरवाइज आप इसे और बढ़ाना चाहे तो 3.14, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5
आसान एग्जांपल है जी। क्या कह रहा है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्किल सबट्रेस एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। कह रहा है एक सर्किल है जिसके लेंथ ऑफ आर्क सेम है। देखें बच्चों, सर्किल, दो सर्किल हैं, ये दो सर्किल हैं, इनका कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क, इसी को कहते हैं ना जी, इसको अगर हम एल मान लिए तो ये भी एल, क्योंकि कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क दोनों के क्या हैं, सेम हैं, ओके। और एक जो एंगल बना रहा है 65 डिग्री का बना रहा है और 110 का बना रहा है, तो 65 को बेटा रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180, 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 6 जा, मीन्स इसका जो एंगल बना है 13 पाई बाई 36 डिग्री का बना है। दूसरे में 110 बोल रहा है तो पाई अपॉन 180 करते हैं तो ये हो जा रहा है 11 पाई अपॉन 18, ये दूसरे का एंगल बता रहा है। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, तो पहले का रेडियस अगर आप R1 मान लिए, दूसरे का रेडियस आप R2 एज्यूम कर लो, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए L इक्वल टू क्या होता है, R थीटा होता है, तो L तो L ही है और इसका R1 है और थीटा की वैल्यू क्या है, 13 पाई बाई 36 है, ओके। दूसरा L इक्वल टू R2 है और थीटा की वैल्यू है 11 पाई बाई 18। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर क्या है, सेम है, मीन्स दोनों का एल सेम है, ये दोनों सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे तो R1 13 पाई बाई 36 इज इक्वल टू R2 11 पाई बाई 18। हम पाई दोनों साइड से कैंसिल कर दे रहे हैं तो R1 इसको इधर लाओगे अपॉन R2, इधर है 11 बाई 18 अपॉन 13 बाई 36 है, ओके। R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा 11 बाई 18 इंटू 36 बाई 13। आप इसे कट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 22 बाई 13, मीन्स आपका जो रेशियो क्या आया है 22 बाई 13 आ गया है। ये आपके एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट आप एक्सरसाइज पे आएँ, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करूँ, आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा, ओके। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द रेडियन मेजर क्रॉसपॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, 25 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, 25 डिग्री है ना, तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, ओके। आप इसे डिवाइड करो, 5 जा 5 3 जा 5 6 जा, मीन्स 5 पाई बाई 36 रेडियन, ओके। अगला है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 प्लस 30 अपॉन 60, -47 प्लस 1 बाई 2, ओके। माइनस, अब आप इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा एलसीएम 4 प्लस 1, मिस हो गया 95 अपॉन 2, समझ रहे ना बच्चों, 95 अपॉन 2। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन में, तो -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। अब 5 से करें, 5 3 जा 15, 5 6 जा 5 1 जा 5 9 जा, -19 पाई अपॉन 36 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अगला देखें, 240 डिग्री, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आसान है।
250 डिग्री, मीन्स 250 इंटू पाई अपान 180, जीरो से जीरो कर दिया, 3 6 जा 3 8 जा, 3 2 जा, नहीं 2 3 जा, 2 4 जा, मीन्स 4π/3 रेडियन। ओके, आप आ जाते हैं 520 इंटू पाई अपॉन 180, जीरो जीरो कट कर दिए, 2 9 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, मीन्स 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ओके, अब बच्चों आते हैं सेकंड क्वेश्चंस पे, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है। फाइंड द डिग्री मेजर क्रॉसपॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर, पाई की वैल्यू आपको यूज़ करना है 22/7। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16, 11/16 आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं 180/पाई। देखो बच्चों, अगर पाई की वैल्यू दी है तो हम उसे से कट कर देते हैं, अगर वैल्यू नहीं दी है तो पाई की वैल्यू 22/7 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देन 11/16 180, पाई की वैल्यू 22/7 हुआ, 7 बच्चों ऊपर चला जा रहा है, 11 2 जा, 2 से कट करेंगे तो 90 हो गया, फिर 2 से करेंगे 45 और ये हो गया 8, मीन्स 45 इंटू 7/8। ओके, मल्टीप्लाई करें, 315/8 ये आपको आया। अब इसको आप डिवाइड करके डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 8 आप बाहर कर दे रहे हैं बच्चों। उसके बाद में आपके पास आ रहा है जी 3135, 8 से डिवाइड करें, 39 डिग्री हुआ। अब आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो 8 से डिवाइड करें, 8 2 जा 4 आया जी, इतना डिग्री हुआ है ना। देन आप फिर 60 से करें तो 240 आपका हो गया, डिवाइड करें 8 3 24, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। अगला दिया है -4 रेडियन। नेक्स्ट बच्चों आपको दिया हुआ है -4 रेडियन है ना। -4 रेडियन का मतलब क्या हुआ, -4 × 180/π। जैसा कि हमने आपको बोला है कि आप पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7, 7 ऊपर जा रहा है, 2 से कर रहे हैं 11, 2 से कर रहे हैं 2, ठीक, -360 × 7/11, -25/22 ये आ गया बच्चों। अब आप इसे डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 25/20 × 22/3/2 99 1 बच रहा है, ये डिग्री हो गया, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 25/55 आया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, मिनट फिर 22, ये जी डिग्री, मिनट और सेकंड में आपने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस 5π/3 को। अगला क्वेश्चन है बच्चों 5π/3,
फाइव पाई बाई थ्री डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई करते हैं, पाई से कट गया, 3 6 18 मीन्स 300 डिग्री हो गया। पाई था तो हमें उसकी वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके, अब आ जाते हैं बेटा जी 7π/6, 7π/6 तो इंटू 180 अपॉन पाई, पाई कट गया 210 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है। थर्ड क्या कह रहा है, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मच रेडियस डज इज टर्न इनटू 1 सेकेंड। कोई एक व्हील है 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन लेती है, 360। देखिए बच्चों, 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 360, तो 1 मिनट को आप क्या कर सकते हैं जी, 60 सेकेंड। हमने सेकेंड इसलिए लिया क्योंकि सेकेंड की बात क्वेश्चन में हो रही है, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 60 6, ठीक है बेटे, 6 डिग्री, उसके 6 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। और एक राउंड सर्कल जो बनता है उस पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 का, 360 को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हुआ, 2π, तो 6 × 2π मीन्स 12π, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटे आप फोर्थ देखें, फाइंड डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, फाइंड डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी जो आपको एंगल बच्चों निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री में। आपको दिया क्या है जी, रेडियस दिया है 100, लेंथ ऑफ आर्क 22 दिया है। आपको मालूम है एल इजकल टू आर थीटा, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा जी, एल अपॉन आर, थीटा इजकल टू एल की वैल्यू आपको दिया है 22 और आर कितना दिया है आपको 100, तो ये जो आपका एंगल आया है ये किस में है, रेडियन में। बट आपसे कह रहा है कि आप इसे डिग्री में निकालो, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई, देन पाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, 45/5 डिग्री, ठीक है ना। आप इसे डिग्री मिनट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉरी 63 इतने डिग्री हुआ। अगर आप इसे डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने 5 बाहर करने हैं, 63 आपको अंदर करने हैं, 5 × 5 5 × 2 = 10 3, ये आपका डिग्री हो गया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 180 हो गया, 5 × 3 = 15 5 × 6 = 30 मीन्स 12 डिग्री 36 मिनट, ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है फिफ्थ। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, इन अ सर्किल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर ऑफ द कोर्ड। बच्चों कोई सर्किल है, इसका जो डायमीटर है 40 है और इस पर कोई कोर्ड है वो कितना है जी, 20 है, कोर्ड 20 है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना होना चाहिए, 20। अगर हम सेंटर से इसको मिला देते हैं तो ये रेडियस बनता है, ये 20 होगा और ये भी रेडियस बनता है, ये 20 होगा। तो आप इसे देख के बताएं जी, ये किस तरह का ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 को रेडियन में कन्वर्ट करिए, 60 × π/180, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 × π/180, आप इसे कट करते हैं तो आपका एंगल क्या आ जाता है बच्चों, π/3 आ जा रहा है, ठीक है। अब होता है फार्मूला L इजकल टू आर थीटा, L इजकल टू आर थीटा 20 पाई बाई
3। बच्चों ये आपका लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबट्रेस एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेडियस रेशियो। जैसे अभी आपने एग्जांपल में निकाला था बच्चों, आपके पास दो सर्किल है, इनमें लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। अगर इसको आप एल एज्यूम करते हैं तो ये भी आपका एल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों ये दोनों सेम है। एक एंगल कितना बना रहा है बच्चों, एक का एंगल है 60 डिग्री, 60 को रेडियन में करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। और दूसरा एंगल बना रहा है 75 डिग्री, तो आप 75 को भी चेंज कर लें, पाई अपॉन 180। फाइव पाई बाई ट्वेल्व। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके रेडियस को आपने R1 ले लेने हैं, इसके रेडियस को आपने R2 ले लेने हैं, समझ रहे जी। फिर पहले का L इज कल टू R1 थीटा, दूसरा R2 फाइव पाई बाई ट्वेल्व। अब जैसा कि बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम लेंथ यानी दोनों में आप कंपेयर कर रहे हो, तो R1 पाई बाई 3 इज इक्वल टू R2 फाइव पाई बाई 12। पाई पाई आपने बच्चों काट दिया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 अपॉन 1 बाई 3। R1 अपॉन R2 ये 3 ऊपर जाएगा, 5 इंटू 3 12 अपॉन 1, 3 4 से 12, 5 अपॉन 4, 5 रेशियो 4। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल ऑफ है ना इन रेडियन विच द परपेंडिकुलर रन 75 एंड एंगल ऑफ आर्क ऑफ लेंथ इतना। फाइंड द एंगल, आपको एंगल निकालना है। एंगल का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल आपको हर कंडीशन में 75 दिया है और आपको आर दिया हुआ है, नहीं सॉरी आर आपको हर कंडीशन में 75 दिया है, एल आपको डिफरेंस डिफरेंस कंडीशन में दिया है। पहला पार्ट देखते हैं, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, है ना। एल पहले कितना है 10 सेंटीमीटर, आर है आपका 75, तो 5 टू जो 10, 5 वन जो 5 इतना रेडियन, ये आपका पहला आंसर हो जाता है। दूसरा है 15, तो थीटा इजकल टू 15 अपॉन 75 रेडियन, मीन्स 1 अपॉन 5 रेडियन हो जा रहा है। तीसरा 21 है, तो थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 75, तो आप इसे 3 से बन जा इतना 7 अपॉन 25। जैसा कि आपने 3.1 देखा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो प्लीज़ इसको आप 2-3 बार वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में ना आए, और समझ में आ जाता है तभी आप अगले वीडियो पे चलेंगे। और इन केस इस पे भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।